प्रणाम। स्वागत है आपका भगवद गीता के इस एपिसोड में, जिसमें हम अध्याय 2 और श्लोक 9 की चर्चा करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, ऋषिकेश श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने के पश्चात गुड़ाकेश परंतप अर्जुन ने गोविंद श्री कृष्ण के सामने घोषित किया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। अगर आपने जो है इससे पहले के जो है वीडियोज देखे हैं, तो आपको जो है अर्जुन की स्थिति पता है। अर्जुन की स्थिति कुछ ऐसी है जहाँ पे जो है वो अपने आदतों, अपने इच्छाओं, अपनी वासनाओं से जो है बाहर नहीं आ पा रहा है। ये स्थिति कुछ ऐसी हो रखी है कि अर्जुन को लगता है कि वो कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएगा। उसके लिए बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सिचुएशन लगती है। जब कोई व्यक्ति जो है अपने डिज़ायर्स में जो है इन्वॉल्व होता है, जब भी आप अपनी इच्छाओं के साथ घिरे होते हैं, तो आप उस स्वतंत्रता की जो है कल्पना नहीं कर सकते। वो स्वतंत्रता जो कि आपको जो है इस सबसे मुक्त होने की बात करेगी। कि फॉर एग्जांपल जो है किसी को जो है सिगरेट पीने की बहुत गहरी आदत है, और उससे कोई ये बोले कि सिगरेट छोड़ दो, तो उसके लिए सिगरेट छोड़ना जो है अभी जो है उसकी कल्पना के बाहर है, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा जो है उसके अंदर डाल दी है, और ऊर्जा डालने के कारण जो है वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। अर्जुन की इसी स्थिति को दिखाया गया है यहाँ पे, कि वो अपने आप को बड़ा विवश जो है यहाँ इस स्थिति में अपने आप को पाता है। इसलिए जो है वो भगवान कृष्ण को बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये जो बात है उसके एक असहायपन से जो है आ रही है, उसकी बिल्कुल एक लो कॉन्फिडेंस की एक स्थिति से आ रही है। अर्जुन जो है यहाँ पे भगवान कृष्ण को अपनी स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इससे बाहर आने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर आ पाऊँगा। जो पॉजिटिव बात, जो सुंदर बात इस श्लोक में है वो ये कि एटलीस्ट जो है जो साधक है वो एटलीस्ट ट्राई कर रहा है। वो ये देख पा रहा है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये उसके सामने हैं। वो ये देख पा रहा है कि वो इन सबसे जो है घिरा हुआ है। एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको जो है अपनी हैबिट्स और पैटर्न से अगर बाहर निकलना हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट आप सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकें, क्योंकि जब तक आप उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे तब तक आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। बीमारी को ठीक होने के लिए सबसे पहले उसका निदान बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ है तो बीमारी को जो है आप कभी भी जो है ठीक नहीं कर पाएंगे। तो जो एक पॉजिटिव बात जो इस श्लोक के अंदर जो घट रही है वो ये है कि कम से कम अर्जुन को अपनी स्थिति का पता चल रहा है। अर्जुन जो है एटलीस्ट एक्नॉलेज कर रहा है कि उसके भीतर जो है ये इच्छाएँ हैं, ये उसकी वासनाएँ हैं, ये उसके डिज़ायर्स हैं। इस एक्नॉलेजमेंट के बाद जो है अब कुछ किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेहोशी में ही जो है उन आदतों को जी रहे हैं, बेहोशी में उन वासनाओं से लिप्त हैं। ये लोग कभी भी उससे बाहर नहीं आ सकते जब तक कि वो इन सब के प्रति जो है कॉन्शियस ना हो जाए, जब तक कि वो इन सब के प्रति जो है अवेयर ना हो जाए। अर्जुन के अंदर जो है एक जागृति जो है उत्पन्न होनी शुरू हुई है, अर्जुन के अंदर जो है एक आँख आनी शुरू हुई है। जब फर्स्ट टाइम जो है जब साधक को पता चलता है कि वो कितनी सारी वासनाओं और इच्छाओं से जो है लिप्त है, उस वक्त उसको लगता है कि वो कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएगा। वो अपने आप को बड़ा हेल्पलेस जो है महसूस करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो एक बहुत सुंदर बात है वो ये देखने की है कि एटलीस्ट अर्जुन को दिखना शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो वो स्थिति आपको दिखनी शुरू होती है, आपको जो है अपनी सिचुएशन का जो है पता चलना शुरू होता है, और एक बार डायग्नोसिस हो जाए उसके बाद जो है फिर मेडिसिन जो है आपको दी जा सकती है। एक बार आपको पता चल जाए कि आप जो है एक काल कोठरी के अंदर हैं, तो फिर जो है आपसे बात जो है प्रकाश की जा सकती है, उससे पहले नहीं। एक और चीज़ जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जानने की कि अर्जुन ने जो है श्री कृष्ण को जो है अपना गुरु माना है, लेकिन सिर्फ गुरु मान लेने से ही जो है चीज़ें नहीं घट जाती हैं, अपनी लाइफ के ऊपर जो है बहुत काम करना पड़ता है। गुरु जो है एक गाइड की तरह, गुरु जो है आपके साथ हमेशा रह सकता है, गुरु आपको जो है रास्ता दिखा सकता है, लेकिन गुरु आपकी ग्रोथ नहीं कर सकता। गुरु के साथ होके आपकी ग्रोथ जरूर हो सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने ऊपर काम करने के लिए राजी हो। तो अर्जुन की एक स्थिति कुछ ऐसी हो रखी है यहाँ पे, जहाँ पे जो है वो बड़ा एक न्यूट्रल स्टेट में हो रखा है, कि वो ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। तो पॉजिटिव बात तो यही है कि एटलीस्ट पीछे नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन पीछे भी नहीं जा रहा है, जो कि एक बड़ा एक जो है शुभ संकेत है। जिसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन जो है एक ऐसी स्थिति में अटका पड़ा है कि अभी जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ऐसा बहुत बार साधक की जिंदगी में जो है ऐसा एक पड़ाव आता है जहाँ पे जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता,
जहाँ पे उसको जो है एक बहुत वीकनेस महसूस होती है, जहाँ पे उसको लगता है कि वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम पिछले श्लोकों में देखें तो अर्जुन जो है वो वापस जाने की बात करता है कि वो वापस अपने डिज़ायर्स, वापस अपनी इच्छाओं के अंदर जो है जाना चाहता है। लेकिन एटलीस्ट इस श्लोक में हम एक पॉजिटिव बात ये देख रहे हैं कि अब वो एक न्यूट्रल स्टेट में हो रखा है, और उस न्यूट्रल स्टेट में जो है वो ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, और बिल्कुल जो है वो साइलेंट हो गया है। इसको भी थोड़ा समझने की बात है, जब आप साइलेंट हो जाते हैं तब आपका जो माइंड है वो फोकस्ड हो जाता है, वो बहुत कंसंट्रेटेड हो जाता है। इसलिए साइलेंस भी बहुत मैटर करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे जो है जो अर्जुन की स्थिति है, जब वो बोल रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा, तो वो स्थिति उसकी जो है निराशा से आ रही है, वो स्थिति जो है उसके दुख से आ रही है, वो स्थिति जो है उसकी उस अवस्था से आ रही है कि वो अपने आप को केपेबल नहीं पाता कि वो लड़ पाएगा। और इस स्थिति में जब साइलेंस के साथ जब इसको जोड़ा जाता है तो फिर ये निराशा जो है और बड़ी हो जाती है और फोकस हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा कि साइलेंस जो है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अगर जो है अगर आप खुश हैं और आपके साथ जो है कि साइलेंस की क्वालिटी अगर हम जोड़ दें तो आपकी खुशी जो है मैग्नीफाई हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसलिए पॉजिटिव साइलेंस है और नेगेटिव साइलेंस भी है। एक साइलेंस जो है मरघट का है और एक साइलेंस जो है ध्यान का है। दोनों साइलेंस है लेकिन ज़मीन आसमान का फर्क है। तो इस स्थिति में अर्जुन का जो साइलेंस है वो दुख का जो है प्रतीक है, वो एक डिप्रेशन का जो है एक प्रतीक है। लेकिन इस श्लोक से हमें एक आशा मिलती है, आशा इस बात की कि अर्जुन जो है इस स्थिति में ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा और इससे जल्दी ही बाहर आएगा। एक और चीज़ यहाँ पे हम समझें कि हमने जो है अपनी 5 इंद्रियों को जो है एक खुली छूट दे रखी है, कि अभी की जो हमारी स्थिति कुछ ऐसी है कि हमारी इंद्रियां जो हैं हमारे वश में नहीं है। अभी जो है इंद्रियां आपको कंट्रोल कर रही हैं, इंद्रियों को आप कंट्रोल नहीं कर रहे। तो जब अर्जुन की अभी एक स्थिति एक ऐसे बन रही है कि धीरे धीरे जो है वो कंट्रोल जो है वापस जा रहा है, तो इंद्रियां उससे जो है बदला ले रही हैं। आप कुछ ऐसा समझिए कि एक ऐसा घर कि मालिक जो है सो रहा है और नौकर जो है अपनी मस्ती करने में लगे हुए हैं, वो एक्सप्लोइटेशन करने में लगे हुए हैं, घर की सारी रिसोर्सेस को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि घर का मालिक जो है अभी सोया हुआ है। लेकिन जब घर का मालिक जो है जागना शुरू कर दे तो फिर जो है इन नौकरों की ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। लेकिन ये नौकर क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि मालिक जो है सोया रहे। इसलिए जो हमारी इंद्रियां हैं वो इतनी आराम से जो है कंट्रोल नहीं दे देंगी, क्योंकि जन्मों जन्मों तक जो है उन्होंने राज किया है क्योंकि आप सोए हुए थे। लेकिन अब समय आ गया है जागने का, अब समय आ गया है कि भगवान कृष्ण जो है आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इस भगवत गीता को जो है सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको जो है अपनी ज़िंदगी में उतारें भी। और भगवान कृष्ण जो हैं वो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक की बात ना रह जाए, वो एक किताबी बात ना रह जाए, वो एक रियलिटी बने आपकी, कि भगवान कृष्ण जो है आपके भीतर जो है जन्म ले सके और इस बैटल फील्ड ये जिसको हम कुरुक्षेत्र कहते हैं उसके अंदर जो है आप अपने आप को विजय बना सके। तो इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम।